तो सबसे पहले आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट यूनिट पढ़े थे, फंडामेंटल। फंडामेंटल में पढ़े थे हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के बारे में, साथ ही साथ कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसके टाइप कितने हैं, और उससे रिलेटेड टाइम, स्पेस, मास, वेट, इन जो भी जो टर्म थे उन लोग उसके बारे में हम लोग पिछले फंडामेंटल जो यूनिट था उसमें हम लोग पढ़े थे। आज का जो यूनिट है वो है क्या है, फोर्स। आज का सेकंड जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स। ये सेकंड यूनिट है मैकेनिक्स का हम लोग का सिलेबस का, जिसमें हम लोग पढ़ना है फोर्स के बारे में। तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो इतना हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो इन्हीं जो की पॉइंट है इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग को ज़रूरत होगा, ये याद रखिएगा, एक पाउंड बराबर कितना होता है, 0.454, 0.454 kg। कितना हो जाएगा याद रखिएगा, ये जरूरी होगा आगे। 1 पाउंड बराबर 0.454 kg, और 1 फुट बराबर कितना होता है, 0.3048 मीटर। याद रखने का तरीका, 454 और इधर 3048, याद रखिएगा। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये की पॉइंट है इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स आखिर क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, और अलग अलग यूनिट सिस्टम में, अलग अलग यूनिट सिस्टम में फोर्स के कौन कौन से यूनिट होते हैं और उसका नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। आप लोग नाम सुने होंगे, डायरेक्टली बोल देते हैं फोर्स का एक न्यूटन, डाइन या पोंडल, यही तीन वो होता है वो बोल देते हैं। लेकिन एक और सुने होंगे, KgF, यानी 5 KgF, यानी 5 kg के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो यूनिट और भी क्या होते हैं, तो पहला यूनिट होगा एब्सोल्यूट यूनिट जो कि हम लोग जानते हैं, दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट, ये प्रैक्टिकली यूज होने वाली यूनिट है। जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल दें कि ये अगर एक मेज है, टेबल है, तो टेबल पे हम कितना फोर्स लगाएं कि ये टेबल टूट जाएगा। हम बोले कि 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाएगा। हम लोग क्या बोले, 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाएगा। तो इस 10 न्यूटन से कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन प्रैक्टिकल में हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ इस पर 1 kg का पत्थर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझिएगा, 1 kg का अगर पत्थर रख दे तो ये टूट जाएगा। एक्चुअल में बताइए, 1 kg पत्थर रखेंगे तो वो टूटेगा किसके वजह से, वो टूटेगा फोर्स के वजह से ही ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1 kg के द्वारा जो फोर्स लगेगा, 1 kg मास के द्वारा जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से टूटेगा, वही यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। वही यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट। और इसी को बोलते हैं KgF, यानी जितना केजी के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा। अगर 1 KgF लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 kg मास के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वही हो जाएगा वो 1 KgF। आगे हम लोग इससे पढ़ेंगे, फिलहाल की पॉइंट को हम लोग समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले समझ लेंगे फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका कितने प्रकार से होते हैं, हम लोग पहले पढ़े थे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये जानते हैं। लेकिन एक और आता है बो नोटेशन। ये बो नोटेशन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे जब ये पूरा एक एक करके डील करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लोग को दो तरीके से पढ़ना है, पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा बो नोटेशन। वो ये एक्चुअल में नाम है, एक इंजीनियर का नाम था जो ये नोटेशन करने का तरीका बताया था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोज नोटेशन, बोज का नोटेशन। उसके बाद की पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे जब आगे डील करेंगे तब। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स से आप लोग समझ ही रहे होंगे,
रूबरू होंगे कि फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। अगर हम किसी पे कस के फोर्स लगा दिए तो पक्का है कि उसका गाल फुला देंगे, समझ रहे होंगे बात। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है। फोर्स के द्वारा हम किसी वस्तु को रोक सकते हैं, किसी वस्तु को मोशन में ला सकते हैं, किसी वस्तु को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, या किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। यही तीन जो होंगे इफेक्ट होंगे फोर्स का, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फोर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है या कैसे, ये क्या एक प्रिंसिपल है, एक नियम है, इस नियम में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो बताइए, आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि फोर्स क्या है। एक एक्सटर्नल एजेंट है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी पे लगकर, उसका पोजीशन चेंज करता है। यही बात अभी तक हम लोग पढ़े थे कि फोर्स क्या है, इसको मिटाते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, क्या पढ़े थे हम लोग कि फोर्स, इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई विच हैव टेंडेंसी टू चेंज पोजिशन ऑफ बॉडी और कंप्लीटली चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी। हम लोग यही डिफिनेशन पढ़े थे कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक बाह्य कारक है जो क्या करता है कि किसी बॉडी के विच हैव टेंडेंसी टू चेंज, ये बॉडी के चेंज द पोजीशन, बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है या कंप्लीटली चेंज कर देता है। ये फोर्स का डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़े थे कि फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है। मान लिया जाए अभी एक ये बॉडी है, हम लोग इस पर फोर्स लगाए तो ये चाह रहा है कि इसका पोजीशन चेंज करें, लेकिन हो सकता है कि नहीं चेंज हो, तो ये टेंडेंसी है चेंज करने का। लेकिन एक हुआ कि फोर्स लगाया और ये चेंज हो गया, तो ये दोनों, या तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो चेंज कर देगा और दूसरा चेंज कर कम्प्लीटली चेंज कर देगा, एक कम्प्लीटली चेंज कर देगा और दूसरा चेंज करने की कोशिश करता है, तब वो जो बाह्य एक्सटर्नल कारक हुआ उस कारक को हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। इसमें एक और टर्म हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे कि ये शेप को भी चेंज कर सकता है, इट अप्लाई ऑन अ बॉडी देन चेंज द साइज और शेप, एंड साइज ऑफ बॉडी, क्या कर सकता है। अगर फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जाए, या फोर्स वह बाह्य कारक है, जो उसका शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या साइज को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब, अगर आप एक लकड़ी देखे होंगे या एक गुब्बारा देखे होंगे, तो उस गुब्बारे को अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंपली एक कोई और ऐसा रबर की बात करते हैं, रबर मिटाने वाला रबर, फोर्स लगाएंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोर्स, ये था फोर्स का डिफिनेशन। ये डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय एफ, और एफ बराबर क्या होता है, एम ए, इट इज डिनोटेड बाय एफ, और एफ बराबर एम, मास इंटू एक्सलरेशन। दूसरा टर्म आता है कि एसआई यूनिट, आएंगे हम, इट्स एसआई यूनिट, क्या होता है एसआई यूनिट, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जहां पे भी एक्सलरेशन आ रहा है
तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा? फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं होगा एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि ये बात दिमाग में नहीं रखिएगा कि एक्सेलरेशन आ रहा है इसलिए हो रहा है। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन का भी जरूरत होता है। कहने का मतलब कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये पता होगा। वेक्टर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ क्या जरूरत होता है, डायरेक्शन के भी जरूरत होता है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो क्वांटिटी कौन सा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का जरूरत होता है, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे बात की हैं वो कौन सा यूनिट की बात की हैं, ऐसा यूनिट का बात की हैं, लेकिन अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग इसका क्या होता है, यूनिट होता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे आता है एब्सोल्यूट यूनिट। तो क्या होता है एब्सोल्यूट यूनिट, ये मिटाते हैं हम, आप नोट करते जाइएगा या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाइए सर्च कीजिए द शानदार, वहाँ पे ज्वाइन होइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अब हम आगे आते हैं कि अलग अलग सिस्टम में, जैसे आप लोग यूनिट सिस्टम, कितने यूनिट सिस्टम पढ़े थे हम लोग, एफ पी एस यूनिट सिस्टम पहला, दूसरा यूनिट सिस्टम क्या पढ़े थे, सी जी एस यूनिट सिस्टम, तीसरा यूनिट क्या पढ़े थे यूनिट सिस्टम, एम के एस यूनिट सिस्टम, एम के यूनिट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, मतलब कि जो लेंथ को हम लोग मापेंगे, लेंथ को किस में मापेंगे, फुट में मापेंगे, कि एक फुट दो फुट मान लिया जाए लेंथ मापना है तो एक फुट है दो फुट है तीन फुट है। दूसरा जो मास होगा बॉडी का वो किस में मापा जाएगा, पाउंड में मापा जाएगा। हम पहले ही बताए थे कि एक फुट बराबर कितना बोले थे हम, एक फुट बराबर 30 30 48, क्या बोले थे, 30 48 मीटर, और एक पाउंड बराबर 0.454 केजी। हम इसलिए आपको पहले ही बताए थे, जरूरी पड़ेगा चेंज करने के लिए। एफपीएस क्या होता है, तो फुट पाउंड सेकेंड, यानी लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में अगर मेजर करते हैं, तब यहाँ से जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकलेगा उस यूनिट को हम लोग कौन सा यूनिट सिस्टम बोलेंगे, एफपीएस यूनिट सिस्टम। हम लोग फोर्स का भी देखेंगे कि फोर्स का इस यूनिट में, एफपीएस यूनिट में क्या यूनिट होता है और उसका नाम क्या है। जो न्यूटन हम लोग देखे थे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, वो कौन सा था, एसआई, एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट किस पे बेस्ट होता है, एम के एस यूनिट सिस्टम पे, यानी पहले, यानी इसका मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब केजी यानी किलोग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। जो हम लोग न्यूटन देखे थे न्यूटन, और इसी को लिखे थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हम लोग जो न्यूटन फोर्स पढ़ते हैं वो कौन सा यूनिट होता है, कौन सा में होता है, तो वो एम के एस में होता है, या हम लोग उसी को बोलते हैं एसआई यूनिट बोलते हैं। तो वो जो न्यूटन था वो इसका था। सी जी एस का मतलब क्या होता है, सी जी एस का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड यूनिट सिस्टम, यानी लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे और जी जो ग्राम है, मास को ग्राम में मापेंगे और टाइम को सेकंड में मापेंगे, तब किसी क्वांटिटी इससे जो यूनिट बनेगा उसको कौन सा यूनिट सिस्टम में रखा जाएगा, सीजीएस यूनिट सिस्टम में। अब हम लोग समझते हैं, इतना बात समझ में आया होगा। हम लोग आगे आते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट, ये दोनों क्या होते हैं।
फोर्स का दो टाइप यूनिट होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट किसको बोलते हैं, ये हो जाएगा अब वन और ये हो जाएगा टू। एब्सोल्यूट यूनिट किसको बोलते हैं ये बात समझिए, तो वैसा यूनिट जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, मास और एक्सलरेशन पे, एकदम बिना किसी झोल झपेट के एकदम डायरेक्टली डिपेंड होगा मास और एक्सलरेशन पे, किसका, फोर्स का। याद रखिएगा हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स के दो यूनिट यहाँ पे है, पहला एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट। तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा ये एक्सलरेशन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल वाला की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सलरेशन का वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट बताए हैं, पहले समझते हैं एब्सोल्यूट यूनिट कि एब्सोल्यूट यूनिट वैसा यूनिट है जिसमें फोर्स के सारे यूनिट किस पे डिपेंड करेंगे, मास के यूनिट पे और एक्सलरेशन के यूनिट पे, डायरेक्टली यही उसका यूनिट हो जाएगा, जो इसके मिलाने से यूनिट बनेंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट। अब हम लोग समझते हैं कि इस यूनिट में यानी एब्सोल्यूट यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं फोर्स, फोर्स बराबर क्या पढ़ें, एम ए। ध्यान रखिएगा अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट यूनिट में ध्यान रखिएगा, जब ग्रेविटेशन बताएंगे वहाँ पे। तो एब्सोल्यूट यूनिट बताता है कि जो भी इसका यूनिट हो, तो बताइए एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट हम लोग एफ पी एस में चलेंगे, हम लोग एफ पी एस फुट पॉइंट सेकेंड यूनिट सिस्टम में चलेंगे, तो बताइए फोर्स का यूनिट क्या होगा, एम मास को किस में मापा जाएगा, फुट में, मास को फुट में, इसलिए पहले ही लिखे हैं। और यहाँ पे क्या एक्सलरेशन, एक्सलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का स्क्वायर। तो जरा बताइए कि डिस्प्लेसमेंट एफ पी एस यूनिट में, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ को, लेंथ को किस में मापेंगे, फुट में, मास को किस में मापेंगे, सॉरी पहले मास को फुट में बोल दिए थे, मास को किस में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे, डी यानी डिस्प्लेसमेंट को किस में मापेंगे, एफ फुट में मापेंगे, और टाइम को सेकेंड में। तो जरा बताइए कि एफ का यानी फोर्स का यूनिट कौन से यूनिट सिस्टम में, एफ पी यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो एम मास किस में, पाउंड में, और उसके बाद एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का क्या हो जाएगा, जरा बताइए डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फुट में, फुट और सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं एक्सलरेशन का क्या हो जाएगा, फुट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ओवरऑल मिला करके हमको क्या मिल गया, फुट पाउंड सेकेंड स्क्वायर। पाउंड को जो डिनोट किया जाता है, पाउंड को वो एल बी में डिनोट किया जाता है, पाउंड को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, एल बी से। तो जरा बताइए इसका क्या होगा, एफ एल बी सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट। और इसका नेमिंग क्या दिया जाता है, इसी के बराबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाउंडल बोलते हैं, पाउंडल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, और सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं, उसी प्रकार से फुट पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, पाउंडल बोलेंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एफ फुट पाउंड सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वन पाउंडल। अब ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि इसको अगर चेंज किया जाएगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज किया जाएगा तब उसका वैल्यू कितना आएगा, और ये आप लोग को करके बताना होगा। एक फुट बराबर हमको मान लिया जाए कि फुट पॉइंट सेकेंड से हमको एम के एस में चेंज करना होगा, तो हम लोग ये देख लेंगे कि एक फुट बराबर कितना मीटर होता है,
इसमें मीटर में मापा जाता है, फुट को मीटर में, तो एक फुट बराबर कितना मीटर होगा वो लिख देंगे, एक पौंड बराबर कितना केजी होगा वो लिख देंगे, और सेकंड तो सारा में है ही, तो चेंज करना होगा। तो ये बात करने के लिए ये वाला टर्म आपको याद रहना चाहिए। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं फिर से एक बार, एब्सोल्यूट यूनिट। और एब्सोल्यूट यूनिट डायरेक्टली डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे, तो वो हम लोग क्या किए देखते हैं कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। पहला फोर्स फुट पौंड, सेकेंड यूनिट सिस्टम में हम लोग देखें कि फोर्स का यूनिट क्या हुआ, फुट पौंड पर सेकेंड स्क्वायर, और इससे वो क्या बोला जाता है पौंड, याद रखिएगा ये बात। अगला यूनिट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा, अगला यूनिट सिस्टम में कौन सा हो जाएगा, सीजीएस यूनिट सिस्टम में। सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएगा जरा बताइए, सीजीएस यूनिट सिस्टम में मास को किस में मापा जाएगा, ग्राम में, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, और इस बार क्या हो जाएगा डी, डिस्टेंस को किस में मापना है, सेंटीमीटर में, टाइम का सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ से मिल गया जी आर ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है डाइन। ध्यान रखिएगा फिर से बोल रहे हैं, डाइन को हम चेंज करने के लिए बताएंगे या आप बनाइएगा किस में, एम के एस यूनिट सिस्टम में, या बोले तो एसआई यूनिट सिस्टम में, यानी कितना डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, या कितना न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये आप लोग को बताना होगा। तो हम लोग देखें कि एब्सोल्यूट यूनिट, ये सारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या है फुट पौंड यूनिट सेकेंड यूनिट सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट यूनिट, बताइए पहुंच कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा फुट पौंड सेकेंड यूनिट सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स का क्या हो जाएगा, पौंडल, और पौंडल बराबर कितना हो जाएगा, वन फुट पौंड पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा सीजीएस यूनिट सिस्टम में, सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट डाइन, और वन डाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट बचा हुआ है कौन सा, लास्ट बचा हुआ है कौन सा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे मास लिखा हुआ, तो लास्ट वाला क्या है एम, एम का वैल्यू किस में मापा जाता है, एम के एस यूनिट सिस्टम में, एम के एस यूनिट सिस्टम में किस में, देखिए मास ये जो मीटर केजी सेकंड, मीटर लेंथ को केजी, मास को सेकंड टाइम को, तो मास को किस में, केजी में, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस किस में हो जाएगा मीटर में, और टाइम सेकंड स्क्वायर में, यानी एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से हमको मिल गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका यूनिट मिला ये, फोर्स का ही यूनिट मिला, ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसका यूनिट मिला, फोर्स का ही यूनिट मिला, ये यूनिट किसका है, फोर्स का यूनिट है। तो जरा बताइए इसके बराबर क्या होता है, इसकी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग न्यूटन। ये कौन सा यूनिट हुआ, एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट भी अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग नाम दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट क्या करते हैं कि एफपीएस में ये एफपीएस में यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट, इसको भी हम मिटाते हैं, याद रखिएगा 30 48 और 54 454 एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट, आएंगे ग्रेविटेशनल पे। तो बताइए कि फुट पौंड सेकेंड में फोर्स का यूनिट क्या होता है, पौंडल, और पौंडल बराबर क्या होता है, पौंडल बराबर क्या होता है बताइए जरा, फुट पौंड सेकेंड स्क्वायर, बड़ा बड़ा लिखते हैं दिखा देगा, बोलते हैं उसको पकड़ के लिए, लिखना पे ध्यान देने देना, क्या होगा इसका पौंडल, और पौंडल बराबर क्या हो जाएगा, फुट पौंड सेकेंड स्क्वायर। ये भी एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा डाइन, डाइन बराबर क्या हो जाएगा
सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम के इसमें क्या हो जाएगा? न्यूटन। और इसके बराबर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग तीनों कैलकुलेट कर लिए कि एफ पी एस में क्या यूनिट होता है फोर्स का, सी जी एस में क्या यूनिट होता है, एम के एस में क्या यूनिट होता है। ये कौन सा यूनिट की बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। अच्छा, आप लोग चेंज करके बताइएगा जरूर, आप कमेंट में कीजिएगा कि कितना होता है। हम दे रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि आप 10 पौंडल को आप सी जी एस में और एम के एस में चेंज करके बताइए कि कितना होगा, यानी 10 पौंडल बराबर कितना डाइन और कितना न्यूटन। ये आपका होमवर्क रहा। हम आगे आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल यूनिट एक प्रैक्टिकल यूनिट है, यह कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है। हम शुरू में बात किए थे क्या होता है उसको समझने से पहले, मानिए ये एक टेबल है। चलिए टेबल है, ये क्या है? एक टेबल है। इस पे हम बोले कि हम 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तब ये टूटेगा। कोई फीलिंग आया 50 न्यूटन का मतलब कितना से होगा? नहीं आया। हम बताते हैं, हम बोले कि अगर 20 केजी का पत्थर रख दें तो उससे टूट जाएगा। बात समझ में आया? अब समझिए, तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए? फोर्स, यानी टूटेगा फोर्स की वजह से ही ना। यानी दोनों में इस काम सेम बोला जा रहा है, काम सेम आदमी करेगा, यानी फोर्स के द्वारा ही तोड़ा जाएगा इसको। लेकिन एक को हम लोग केजी के टर्म में बोल रहे हैं और एक को बोल रहे हैं न्यूटन के टर्म में। तो जो प्रैक्टिकल वाला हुआ कि हम लोग बोले कि 50 न्यूटन वाला था, वो नहीं समझ में आया कि ये कितना फोर्स लगाएगा इसमें, न्यूटन समझ में आया, फीलिंग नहीं आया। लेकिन यही बोल दे कि हाँ 20 केजी के द्वारा ये टूट जाएगा, तो हम लोग कहाँ समझ में आ गया होगा कि 20 केजी से इतना होगा, 20 केजी इतना बड़ा होता है और उससे टूट जाएगा, यही बात होता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? अब हम लोग ग्रेविटेशनल की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अब ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल यूनिट बोलता है कि ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फोर्स बराबर होता क्या है? एम ही होता है फोर्स बराबर। ध्यान समझिएगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? जी का बराबर। और जो कितना वैल्यू होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिए क्या इसका मतलब हो रहा है। हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी है जिसको 20 केजी से रख दें तो ये टूट जाएगा, यानी 20 केजी के द्वारा, 20 केजी अगर इस पे हम रखें तो फोर्स कितना लगेगा बताइए? फोर्स कितना लगेगा? 20 केजी रखें तो एक्सेलरेशन किसके द्वारा होगा? ग्रेविटेशनल के द्वारा। तब बताइए कि एम का वैल्यू कितना? 20 केजी। और जी का वैल्यू कितना? जी का वैल्यू 9.81। तो ये इसके द्वारा जो फोर्स लाएगा वो क्या हो जाएगा? उसके द्वारा टूट जाएगा। तो यूनिट क्या हुआ इसमें? तो इसी से डायरेक्टली ये समझने के लिए, ये प्रैक्टिकल के लिए, ये कौन सा यूनिट है पहले ये बताएं कि एक प्रैक्टिकल यूनिट है। समझने के लिए हम लोग इसी को बोल देते हैं कि 20 केजी फोर्स। बात समझ में आया? 20 केजी फोर्स कुछ दिमाग में गया? यानी इसका मतलब ये होगा, यही क्या हो गया? ये एक यूनिट हो गया। ये क्या हो गया? एक यूनिट। ये यूनिट हुआ, ये ना यूनिट हुआ। अगर हम 1 केजी फोर्स लिख दें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसी को देखिए, बोलते हैं 1 केजी एफ। केजी एफ वो वाला नहीं, हम समझ रहे हैं कहाँ ध्यान गया होगा। केजी एफ का मतलब एक लिखा हुआ यहाँ पे, तो 1 केजी के द्वारा लगाया गया फोर्स। अब एक बात और आता है कि जो फोर्स ग्रेविटेशन के द्वारा लगाया था, अभी हम बोले कि एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे जी होगा, और जो जी के द्वारा यानी पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि उसका नाम क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। याद है कुछ? नहीं याद है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 केजी वेट। 1 केजी वेट यानी यूनिट क्या हो गया? केजी वेट। अब बताइए केजी कौन सा यूनिट में था, यूनिट सिस्टम में?
केजी एमकेएस में था, समझिएगा बात को, केजी एमकेएस यूनिट सिस्टम में था, लेकिन बताइए जरा सेंटी सीजीएस यूनिट सिस्टम में होता तब क्या हम लोग इसको बोलते हैं कि एक ग्राम, तब उसका यूनिट क्या हो जाता, 1 g weight। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम के द्वारा जो वेट लगाया जाएगा, वेट मतलब एम इंटू ए का वैल्यू कितना के बराबर, जी के बराबर, यानी एम जी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, जो समझने के लिए यूज होता है, आम बोलचाल में यूज होता है, जिसको अंडरस्टूड के लिए यूज किया जाता है। अगर लिखा रहे कि आप, अब इसका यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, FPS, फुट पॉन्ड सेकेंड, यानी मास जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग केजी की बात की, मास का वैल्यू बात किए थे, तो बताइए इसका किस में मास होगा, पाउंड में, तो 1 pound, पाउंड को क्या से डिनोट करते हैं, LB से, और 1 LB के द्वारा जो वेट लगाया जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल में, ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, LB या पाउंड वेट। अब पाउंड वेट की जगह पे मान लिया जाए, बोला जाए कि 10 पाउंड रख देंगे तो ये टूट जाएगा, 10 पाउंड रख देंगे तो ये टूट जाएगा, तो जरा बताइए कि अगर यहाँ पे हम 10 पाउंड लिख दें इसका मतलब क्या होगा, और डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। अगर हम 10 पाउंड लिख दें, हम लोग 10 पाउंड लिख दें, 10 पाउंड वेट, इसका मतलब क्या, 10 न्यूटन समझ लेंगे, नहीं, क्या समझेंगे, 10 हमको एम का वैल्यू कितना लेना है, 10 पाउंड लेना है, बात समझिएगा, हमको एम का वैल्यू क्या लेना होगा, 10 पाउंड लेना होगा, 10 पाउंड लेना होगा। और जरा बताइए कि जब पाउंड ले रहे हैं यहाँ पे, तो वेट का यूनिट किस में होगा, फुट पर मीटर, फुट पर सेकंड स्क्वायर में। यानी यहाँ पे जब हम लोग फोर्स का वैल्यू रखेंगे एम इंटू ए, तो बता रहा है कि अगर फुट वेट लिखा हुआ है तो वेट तो हम लोग निकालेंगे ही, यानी फोर्स निकालेंगे ही, लेकिन उसमें मास का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर सिंपली बोला जाता है आपको कि 20 kgf या 20 kg वेट, इसका मतलब हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को एकदम सेम काम, फोर्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है, एम इंटू ए, और एम ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। और ये बता रहा है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जो मास का वैल्यू लेना है वो कितना लेना है, 20 लेना है, बस सिंपल हो गया। यानी अलग अलग यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यानी चेंज क्या हो रहा है, ग्राम, यानी ग्राम वेट, ग्राम वेट, इसका यूनिट केजी वेट। यानी वेट एक प्रकार का फोर्स ही तो है, कल ही तो बताए थे, कल के वीडियो में हम बताए थे कि वेट क्या है, एक फोर्स है, लेकिन फोर्स में जो ए का वैल्यू होता है वो किसके द्वारा हो जाता है, जब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल के द्वारा होता है, तब वो वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते, जो एफ लिखा हुआ है ये किसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसी यूनिट को हम लोग कौन सा यूनिट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। ये था यूनिट, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे। रिलेशन कहने का मतलब क्या होगा, रिलेशन कहने का मतलब क्या होगा कि एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट में हम लोग के बीच रिलेशन देखेंगे। तो जरा बताइए कि पौंडल, एक पौंडल लिखते हैं, एक पौंडल लिखते हैं और एक LB वेट लिखते हैं, बताइए इन दोनों के बीच अगर हमको बराबर करना हो तो किस में गुना या भाग करना पड़ेगा, हम लोग निकाल लेंगे। एक पौंडल का मतलब क्या होता है, जरा बताइए एक पौंडल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक पौंडल का मतलब एक फुट अभी बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एक फुट और पौंड, एक पौंड और बटा नीचे क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें एक LB वेट का मतलब क्या होता है, जरा बताइए एक LB वेट का मतलब क्या होगा इसमें, कि जो हमको मास लेना है वो कितना लेना है, एक पाउंड लेना है, तो मास का वैल्यू एक पाउंड होगा, और वेट का वैल्यू कितना होगा, वेट किस में होगा, तो फुट
वेट कम करने का मतलब क्या, एम इंटू ए ही ना। हम अभी बताएं कि जो एल बी लेना है, ये जो यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि एक जो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ ये बताता है कि जो मास लेना है वो कितना लेना है, एक एल बी लेना है। अगर यहाँ पे एक के जी लिखा हुआ है तो सिर्फ ये बताता है कि मास कितना लेना है, वन के जी लेना है। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वन के जी के मास के द्वारा जो वेट होगा वो, वन ग्राम के द्वारा जो वेट होगा वो, वन एल बी यानी वन पाउंड के द्वारा जो वेट होगा वो। तो यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा कि वन पाउंड के द्वारा जो वेट होगा वो। तो वेट का वैल्यू क्या, एम इंटू जी, और एम का वैल्यू कितना लेना है, वन पाउंड, वन पाउंड। और जी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्या होगा, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जी का वैल्यू कितना होगा, तो 9.81 यहाँ पे होगा, 9.81 फुट वन सेकेंड, फुट पॉइंट सेकेंड स्क्वायर। यानी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग देखिए तो बराबर हुआ यहाँ पे, यहाँ पे 9. जी का वैल्यू 9.81 लेंगे, 9.81। तो बताइए तो ये बराबर हुआ, यानी हम लोग इसको बराबर करने के लिए हम इसका पूरा का पूरा रिलेशन देखते हैं। यानी इस इधर 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए तो ये 9.81 ज़्यादा गुना है कि नहीं, इस तरफ 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सिंपली हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, सिंपली ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ग्रेविटेशनल यूनिट बराबर 9.81 इंटू एब्सोल्यूट यूनिट। और इसी को और बोल सकते हैं कि जी टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट। हम बता दिए पहले ही इसका डिस्क्राइब किया कि क्यों 9.81 होगा। तो ये हुआ दोनों के बीच का रिलेशन। अब जो निकालना है, ग्रेविटेशनल निकालना है तो एब्सोल्यूट निकालनी है, उसमें 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कंडीशन ये होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट, इन दोनों का यूनिट हमेशा अगर हम एफपीएस में निकाल रहे हैं तो दोनों तरफ एफपीएस में होंगे, अगर सीजीएस में है तो दोनों तरफ सीजीएस में होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा ख़त्म हुआ, कौन सा, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट भी ख़त्म हुआ। वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एक और बताते हैं और उसके बाद कितना देर हुआ होगा देखते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स कितने प्रकार से, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बो नोटेशन, ये दोनों देखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स देखेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे और फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है वो पूछिए, न्यूमेरिकल बनाइए बुक से। थैंक यू।